नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग जब सीटेट की तैयारी करते हो, ठीक है, तो उस समय आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आती है और प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे कि आपके सीटेट में अच्छे नंबर आ सकते हैं। कुछ लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, फला फला डिमकाना, तो जिससे आप लोग गलत स्ट्रेटजी की वजह से भी आपको सही तरीके से सफलता नहीं मिलती है। तो आज हम इसी पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको सीटेट जब भी तैयारी स्टार्ट कीजिए तो वहां पे आपको किन बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। आज मैं कुछ आपको ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूं, ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसे कि अगर फॉलो करते हो तो आप चाहे तो एकदम लिख कर ले लो। 100% मैं बात कह रहा हूं कि आप इस बात को अगर फॉलो करते हो जो आज मैं बताने वाला हूं, आपका सीटेट 110% निकलेगा, हर हाल में निकलेगा, वो भी अच्छे नंबर से निकलेगा। क्योंकि जो गलतियां होती हैं, मैं आज उसी गलतियों के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले तो आप लोग जब सीटेट तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम है सीटेट का, अभी टाइम भी है सीटेट के लिए, तो पहला काम तो ये होता है कि हाँ ठीक है, ये सब लोग कहते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो उससे आपको एक एग्जाम का जो पैटर्न है, प्रश्नों का स्तर क्या होता है, वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर जो है ऐसे ऐसे पूछा जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या चीज है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, भाई सिर्फ पेपर सॉल्व करने मात्र से, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने मात्र से आपका सिलेक्शन या सीटेट क्लियर नहीं होने वाला। प्रॉब्लम यहां होगी जब तक आप सीटेट में उसका जो बेस है, जैसे उसकी कह लीजिए नींव, जिसके बिना आप सीटेट कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, और वो है आपकी पैडागोजी। पैडागोजी में दिक्कत ये होती है, लोगों को लैंग्वेज को समझने में दिक्कत होती है, ये नहीं समझ में आता कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है, ये सारी कंफ्यूजन्स बनी रहती हैं, ठीक है। तो देखा जाए आपके 150 क्वेश्चन में से लगभग 80 से 90 क्वेश्चन जो होते हैं आपके टोटल पैडागोजी के ही रहते हैं, शिक्षण से रिलेटेड। चाहे अगर आप बाल विकास की बात करें, बाल विकास में आपका साइकोलॉजी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी दोनों इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो ऐसा मान के चलो कि अगर आप लोग चाइल्ड डेवलपमेंट की जो पैडागोजी है अगर उसे अच्छे से पढ़े हो तो आपकी हिंदी में भी काम आएगी, अगर आपका इंग्लिश है इंग्लिश में भी काम आता है, संस्कृत है तो संस्कृत में भी काम आता है, या मैथ है तो मैथ, पर्यावरण, सब में। तो ये रही बात पैडागोजी की। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि पैडागोजी पढ़ना कैसे चाहिए, पैडागोजी पढ़ने का सही तरीका जिससे कि आपका समय भी कम लगे और तैयारी भी अच्छी हो जाए। सबके लिए यही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा समय भी कम लगे, हम मतलब वही कि हार्ड स्टडी करना, एक होता है स्मार्ट स्टडी करना। कुछ लोग बस मिला बुक लिए खत्म करना शुरू कर दिए, इधर से पढ़ रहे वहां से पढ़ रहे, नहीं, आपको करना चाहिए सही रणनीति के आधार पर अपनी तैयारी को शुरुआत करनी है। अब वो रणनीति क्या है, अब आप ध्यान दीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस चीज को आपको फॉलो करना है। जो आप लोग तैयारी करोगे उसमें सबसे पहले चीज ध्यान रखना, जो पैडागोजी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जब भी आप शिक्षण के प्रश्न सॉल्व करते हो तो आपको उसमें दो चीजें मिलती हैं हमेशा से। शिक्षण में हमेशा दो चीज होती है, एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। और जैसे कि अगर आपको एक ट्रिक बता दूं या हिंट बता दूं कि जब भी अगर देखोगे क्वेश्चन में जो छात्र हित में जितनी भी बातें होती हैं, ठीक है, जैसे एनसीएफ क्या चाहता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या चाहती है, कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी सक्रिय सहभागिता होना बहुत जरूरी है, उनको व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने की बजाय अगर उन्हें सामूहिक परिचर्चा में भाग लेने का अवसर मिलेगा तो वो और अच्छे तरीके से सीखेंगे। ये किसका मानना है, एनसीएफ का। एनसीएफ ये भी कहती है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बच्चों को बिना बोझ के शिक्षा देनी चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा जो एनसीएफ वाला जो मैटर है या शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। समझना कुछ नहीं, बस आप एक बार अगर पढ़ भी लोगे, ठीक है, एक नजर मार लोगे पूरा कि एनसीएफ में क्या क्या पॉइंट्स है, इसकी मैं एक स्पेशल वीडियो भी दे दूंगा, ठीक है, लेकिन इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक होनी चाहिए, इसकी शर्त यह है। अब बातें इस बात पे कि जब आप लोग पैडागोजी सॉल्व करते हो तो ऐसा नहीं कि बस प्रश्न देखा ऐसे लगा गए आगे बढ़ गए। अगर जल्दी सॉल्व करना चाहते हो, किसी प्रश्न को देखकर जल्दी सॉल्व करना चाहते हो, तो उसके दो पहलू को हमेशा पहले माइंड में रख लेना। एक होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन क्या होता है कि
आप लोग को ये लगता है कि उसमें से जो ऑप्शन हो ही नहीं सकता उसको बिल्कुल काटते चले जाओ, पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरे में कंफ्यूजन लग रहा है गोला करो, चौथा बिल्कुल नहीं हो सकता। एक तो ये तरीका है, और ये कभी तरीका मुझे नहीं लगता कभी कभी काम करता है कभी काम नहीं करता। सबसे अच्छा तरीका देखा जाए तो इसमें ये होता है कि आप देखो जिस प्रश्न में छात्रों के हित की बात हो रही हो, ठीक है, वो आपको पॉइंट को बहुत ध्यान रखना है। छात्र हित के जो भी पॉइंट्स होते हैं वो ज्यादातर सही होते हैं, और छात्र के विपरीत जैसे रटना, याद करना, कंठस्थीकरण, विभेदीकरण, तुलना, तो ये सब वर्ड जो होते हैं हमेशा नकारात्मक होते हैं, ये ऑप्शन कभी सही नहीं होते हैं। अब जैसे मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाने जा रहा हूं, इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप लोग अच्छे से कहीं लिख लोगे तो पूरी पेडागोजी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कम समय में सॉल्व करना सीख जाओगे। जैसे कि मैं आपको कुछ टैग वर्ड्स बताने वाला हूं, जैसे क्वेश्चन में लिखा है समूह चर्चा सामूहिक गतिविधियों में अवसर देना। देखो दोस्तों ये अवसर देना वर्ड जो है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये हमेशा छात्र के हित में होता है। आप छात्र को क्या दे रहे हो, अवसर दे रहे हो, किसी काम को करने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हो। तो समूह चर्चा यानी एक साथ डिस्कशन करा रहे हो, सामूहिक गतिविधियों में उनको भाग लेने का अवसर दे रहे हो, तो इससे बच्चों के लिए क्या है अधिगम करने में सहायता होती है। तो कभी भी ऑप्शन में अगर इस तरह के वर्ड रहेंगे तो उसे आप हमेशा पॉजिटिव मान के बिल्कुल टिक लगा सकते हो, आंख बंद करके लगा सकते हो, कभी आपका वो उत्तर गलत नहीं होगा। दूसरी बात, बच्चे की भूमिका अभिव्यक्ति सुगमकर्ता को प्रोत्साहन निर्माता की है। अब ये क्या चीज है, देखो बच्चे की भूमिका अभिव्यक्ति मतलब जो बच्चा कुछ भी कर रहा है उसकी अभिव्यक्ति, कहते हैं ना कि बच्चों ने जो भी लैंग्वेज यूज की है, कक्षा में अगर कोई छात्र अपनी भाषा का संप्रेषण कर रहा है तो आपको तुरंत, अगर भले गलत ही बोल रहा हो, कुछ भी मतलब उसके उच्चारण में अशुद्धियां हो, लेकिन संप्रेषण करते समय आप उसके शब्दों को ठीक नहीं करेंगे, ये कहता है आपका एनसीएफ, ठीक है, ये आपके शिक्षण की विधियां कहती हैं। तो कभी भी क्या होता है कि अगर कोई बोलना चाह रहा है, अपनी इच्छा जागृत करना चाह रहा है, आप उसको बीच में टोक दोगे तो उसका मनोबल टूट जाता है, वहीं पे वो आगे बोलने में झिझकता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग याद रखना कि जो भी बच्चे की भूमिका होती है उसकी जो अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, और आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक को शिक्षा शास्त्र में एक सुगमकर्ता की उपाधि दी गई है, सुविधा प्रदाता की उपाधि दी गई है कि आपको समस्या समाधान करना है, किसका, अपने छात्र का, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा से याद रखना, कभी भी सुगमकर्ता, प्रोत्साहन, ये सारे वर्ड हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कभी गलत हो ही नहीं सकता इस तरह के ऑप्शन। ये सारे वर्ड्स को अगर आप ध्यान से बस एक बार रीड कर लोगे, कभी ऑप्शन में ये वर्ड टकरा गया तो ये मान चलो इतने नंबर आपके एकदम पक्के हैं, कोई काट सकता ही नहीं, ये जान लो, ठीक है। अब इसके बाद मैं कंटेंट पे भी आऊंगा कि ये तो पेडागोजी मान लो आपकी तैयार हो जाएगी, फिर कंटेंट कैसे पढ़ना है उसके लिए भी मैं आपको दो तीन मिनट कुछ चीज बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बस इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखो जो बताने जा रहा हूं। देखो बच्चे के द्वारा स्वयं प्रयास करके सीखना, प्रोत्साहन, वातावरण, जो भी बच्चे स्वयं करके सीखेंगे जाहिर सी बात है अच्छा सीखेंगे, समझ के सीखना सबसे बेस्ट होता है बजाय रट के, रटना हमेशा निगेटिव में होता है, त्रुटियां सीखने का अनिवार्य हिस्सा है। कभी अगर ऑप्शन में लिख दिया कि बच्चे त्रुटियां करते हैं, आप एक शिक्षक है इसको आप किस नजर से देखते हैं, तो आप एक अधिगम के हिस्सा के रूप में देखोगे ना कि उसे निगेटिव, तो ये वर्ड भी आप लोग याद रखिएगा। प्रगतिशील शिक्षा अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का अवसर देना, ठीक है, अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने मतलब वो कुछ जो भी प्राप्त कर सकता है, उसकी जो भी इच्छा है उसको वो करने के लिए क्या देना, अवसर देना, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉजिटिव में। अगला देखो, बच्चे को अवसर देना, प्रत्येक बच्चे को अवसर देना, ऐसा नहीं कि आपकी कक्षा है व्यक्तित्व भिन्नता की है, सभी बच्चे के सीखने समझने की क्षमता अलग अलग है, लेकिन आपको प्रत्येक बच्चों पर ध्यान देना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। लैंगिक मुद्दे एवं समानता, लैंगिक मुद्दे मतलब जैसे कि आप लोग लैंगिक पूर्वाग्रह वगैरह पढ़ते हो, जैसे कोई एक छात्र है या फिर एकल गायन प्रतियोगिता है जहां पे सिर्फ छात्रों को मतलब जो एक लड़कियां हैं केवल लड़कियों को ही वहां अनुमति दी जा रही है गाने के लिए, लड़कों को अनुमति नहीं दी जा रही है, तो ये आपके लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, ठीक है। कहीं भी भेदभाव, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िवादिता, जैसे रूढ़िवादिता में होता है कि लड़कियां ही सिर्फ सफल होती हैं लड़के सफल नहीं होते, या लड़के सिर्फ सफल होते हैं लड़कियां सफल नहीं होती, एक रूढ़िबद्ध धारणा होती है, तो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, ये निगेटिव होता है, ठीक है, याद रखना। समावेशी शिक्षा जो होती है, देखो ये सामान्य एवं विशिष्ट छात्रों को एक साथ बैठाने की कोशिश करती है, अगर ये वर्ड कभी आए
कि इनमें से कौन सा कथन समावेशी कक्षा को दर्शाता है, ऐसा एक प्रश्न बन गया। तो आप कैसे पहचानोगे कि इसमें समावेशी शिक्षा का एक ऑप्शन सही होगा? इसकी सबसे आसान ट्रिक ये होती है, समावेशी वाले जो प्रश्न आते हैं, सबका साथ सबका विकास, यानी कि इसमें हम सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा देंगे बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, बच्चे चाहे वो श्रवण बाधित हो, दृष्टि बाधित हो, ठीक है, वाक बाधित हो, किसी प्रकार की भी अगर उन्हें समस्या है तो आप उनको एक समान रूप में देखेंगे, न कि उनको एक सहानुभूति रूप में प्रदान करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि वो देखने में उससे दिक्कत हो रही तो उसे चलो सहानुभूति देते हैं, नहीं, आप उनके लिए जो भी उपयुक्त उपकरण होंगे, जैसे श्रवण बाधित है तो उसके लिए कुछ मशीनें वगैरह जो प्रदान कराई जाती हैं आंखों के लिए ब्रेल लिपि वगैरह से, तो वो सब जो है ठीक है, उस सब सहायक सामग्रियां हैं उसको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि अगर कोई वैसा है तो उसके लिए हमेशा हमारी सहानुभूति बना के रखी जाए, इससे और छात्रों के जो है मानसिकता पे वो पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो समावेशी माने सबको हमें एक साथ लेकर चलना है, समान शिक्षा की विचारधारा में जोड़ना है, ये चीज याद रखना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अगला प्रश्न है बच्चे की स्वगरिमा का ध्यान रखना। बच्चे जो होते हैं हमेशा से क्या चाहते हैं, अपने आप को प्रशंसा, यानी कह लो कि जैसे मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं, मुझे उसके बदले में कुछ फीडबैक चाहिए, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, बुरा कार्य कर रहा हूं, या जो भी कर रहा हूं उसके बदले में मुझे फीडबैक चाहिए। तो बच्चों की जो भी विचारधारा है आप उसको हमेशा समर्थन दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये पॉजिटिव में है। वास्तविकता स्तरानुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, विविधता विविध अवसर प्रदान करना, विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, हमें बच्चों से हमेशा वास्तविकता की अपेक्षा रखनी चाहिए। कोई एक बच्चा है भले कक्षा में कैसा भी हो, हमें उसको उस रूप में स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं, नहीं तुमको ये ही करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तुमको ये नंबर नहीं लाओगे तो तुम बेकार हो, ऐसे हो, नहीं। जो उसकी आकांक्षाएं हैं या उसकी जो भी क्षमता है उसकी हमें बच्चों से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। बाकी ये सारे वर्ड्स अगर कहीं आते हैं तो याद रखो हमेशा पॉजिटिव होगा। जीवंत उदाहरण, सजीव उदाहरण देना, हमेशा से क्या है, एग्जाम्पल्स को ऐसा रिलेट कराना जो बच्चों के वास्तविक जीवन से जुड़ा हो, ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। बहुभाषिकता को सदैव संसाधन मानना, जैसे कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं तो उसे एक समस्या की बजाय एक संसाधन के रूप में उसको देखना चाहिए। आपके कक्षा में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती, बच्चे भाषा अलग अलग बोलते हैं तो आप इसे एक समस्या नहीं मानेंगे कि या तो प्रॉब्लम हो गई, वो तो ऐसा बिहारी बोलता है, वो तो खड़ी बोली बोलता है, वो तो ऐसा बोलता है, नहीं। आपको उनको उस भाषा के अनुसार क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा, ठीक है, एक संसाधन के रूप में देखना होगा। बच्चों को सीखने के लिए स्व प्रेरित किया जाए और आंतरिक प्रेरणा दी जाए, बच्चों को हमेशा ज्यादा से ज्यादा खुद से प्रेरित किया जाए कि बच्चे स्वयं करके सीखे, उनको मोटिवेशन दीजिए, ठीक है। और देखिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, चिंतन करने वाले, अवसर देने वाले प्रश्न, क्रियाकलाप, ये सब जो है आपके हमेशा पॉजिटिव में आते हैं। वर्ड्स को नोट करते जाना, बच्चों को समस्या समाधान के लिए प्रेरित करना, अवसर देना, ये मैंने बता चुका है। समृद्धिकरण कार्यक्रम बनाना, समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना, ये सारे वर्ड हमेशा पॉजिटिव होते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी दैनिक क्रियाकलाप के आधार पर शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों दोनों का मूल्यांकन करना, ये सब आपके पॉजिटिव में आते हैं। इस तरह के वर्ड कभी भी आ जाए पेडागोजी में, याद रखना ऑप्शन हमेशा सही होगा। सृजनात्मकता रचनात्मकता को प्रोत्साहन देना, ये भी पॉजिटिव होता है। उनसे वास्तविक अपेक्षा रखना, ये मैंने बता चुका है। सामाजिक अंतःक्रिया, वाइगोस्की भी मानते, बच्चों को अगर समाज से जोड़ेंगे उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मजबूत होगी। क्रियाकलाप करने का अवसर देना या फिर करवाना, कक्षा में लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण करना, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के अवसर देना और संदर्भ के अनुसार अर्थ समझने की क्षमता विकसित करना, ये सब आपके ऐसे कभी भी वर्ड आ जाए तो हमेशा पॉजिटिव में ही आते हैं। बाकी मैंने जो एक इसका सारांश है वो ने बता ही दिया है कि आखिर इसमें और क्या क्या आ सकता है ये सब, लेकिन अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैंने स्टार्ट में ही बता दिया कि लगभग कैसे कैसे वर्ड्स पूछे जाते हैं, ठीक है। भूमिका निर्वाह के अवसर देना, शिक्षण विधियों में लचीलापन लाना, जिज्ञासा को प्रोत्साहन, प्रश्न पूछने को प्रोत्साहन, पर्यावरण चिंता के प्रति सजग जागरूकता, संवेदनशील बनाना, ये सारे वर्ड हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अंतर्दृष्टि को प्रोत्साहन कीजिए, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में शिक्षक का रहना ताकि उनके स्तर के शिक्षण को हम या उनके चिंतन को समझ के शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकें,
ये हमेशा वर्ड अगर कभी ऑप्शन में दिख जाए सही होगा। व्यक्तित्व भिन्नता को स्वीकार करके उनको महत्व तो देना, भले चाहे बच्चे कैसे भी हो सबको महत्व तो देना है। सभी विषयों का समावेश भाषा की कक्षा में होना चाहिए, ठीक है। कविता कहानी को बहुत ज्यादा क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। बच्चे जो हैं कहानियों के माध्यम से, कविता के माध्यम से ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनके अंदर रुचि या इंटरेस्ट जगाने के लिए बहुत अच्छा माध्यम होता है। पूर्व अनुभव में जोड़कर नवीन ज्ञान की संरचना को प्रोत्साहन करना, यानी उनके पास जो भी पहले से ज्ञान है उसमें आप नए चीजों को ऐड करके पढ़ा सकते हो। आप उनको चिंतन करने का अवसर दीजिए, जैसे परंपरागत एक विधि चिंतन, अभिसारी चिंतन, ठीक है, गैर परंपरागत चिंतन में अपसारी, पार्श लेटरल बहुविधि, आउट ऑफ बॉक्स। देखो अपसारी में तो आप लोग जानते हो सृजनात्मक बच्चे आते हैं ना, अभिसारी में नॉर्मल वाले। तो ये सब वर्ड याद रखो, हमेशा से कभी भी अगर आता है एग्जाम में तो ये आपके बिल्कुल सही वर्ड होंगे और आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये सारे वर्ड थे, आशा है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और ये वीडियो जैसा भी लगा हो आप बताइएगा, इसके अगले पार्ट में भी कुछ भी जो अगर कुछ बचेगा या कुछ और बताने के लिए मेरे पास रहेगा कि इसमें और भी कुछ चीजें आपके लिए बता दी जाए तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। मेरी कोशिश थी कि आपको पैडागोजी जो पढ़ना है वो आसान हो जाए। कंटेंट की बात कर लें, कंटेंट में आपको मैथ में 15 नंबर आते हैं, बिल्कुल बेसिक मैथ रहती है। पर्यावरण में जो 15 नंबर आता है वो एनसीईआरटी आती है, उसमें भी आपको बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप लोगों ने हमारे प्लेलिस्ट में देखोगे चैनल पे तो पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी दी गई है, उसमें से पूरा क्वेश्चन फंस जाता है हर बार सीटेट में। बात कर ले हिंदी की, हिंदी में 15 नंबर के कंटेंट के नाम पे वही पैसेज पूछता है, गद्य और पद्य, वो भी सरल होता है, ठीक है। लैंग्वेज की बात कर ले, जैसे आपका अगर संस्कृत है, इंग्लिश है या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें भी 15 नंबर के कंटेंट में आपका पैसेज आता है, बाकी 15 नंबर की पेडागोजी। तो सोचो कितना अच्छा है, कंटेंट के नाम पे बहुत कुछ ज्यादा नहीं है पढ़ने को। अगर सीटेट में देखे तो कंटेंट के नाम पे पढ़ने को कुछ भी ज्यादा नहीं है, पैसेज वगैरह प्रैक्टिस से आ जाती है, ठीक है। हिंदी के पैसेज 15 नंबर प्रैक्टिस से आ जाएगी और इंग्लिश की भी प्रैक्टिस से आ जाती है। पर्यावरण की देखा जाए तो एनसीईआरटी है भाई, कौवा, चिड़िया, गिद्ध, ये सब छोटी छोटी चीजें, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, क्लियर हो जाता है। बाल विकास 30 नंबर की आती है, ठीक ठाक आती है, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि पेडागोजी के साथ उसमें आपके सारे मनोवैज्ञानिक जुड़े रहते हैं, पियाजे, कोलबर, वाइगोस्की, अल्बर्ट बंडूरा, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, ब्रूनर, तो सब रहते हैं उसमें। तो उन सबकी थोड़ी थोड़ी थ्योरीज को आपको ध्यान रखना होगा कि वो कैसे बच्चों की सोच को देखते हैं। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस के थ्रू सारी चीजें बताता रहूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।